Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discussed about the drawing functions. मैंने आपको बताया था कि आप अपनी इमेज के साथ और वीडियोस के साथ अपने drawing functions को या फिर text को कैसे bind कर सकते हो. I hope आपको काफी मजा आया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माउस इवेंट्स को ओपन सीवी के साथ कैसे यूज कर सकते हो. बेसिकली आप अपने माउस के साथ अपने कुछ फंक्शंस को बाइंड करोगे और आपके माउस के क्लिक इवेंट्स के साथ वो सारी की सारी चीजें ऑपरेट होंगी. तो गाइस मैं वर्बली तो इसे इतना अच्छा नहीं समझा सकता, बट मैं इसे आपको करके दिखाऊंगा तो यार आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी आईडीई के पास. सो गाइस दिस इज माय आईडीई स्पाइडर और इसमें मैंने पहले से ही लिख रखा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लस इस फाइल को मैंने सेव करा रखा है. ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, बस आप लोगों को इसे डाउनलोड करना है और एनालाइज करना है. डाउनलोड जरूर कीजिएगा बिकॉज थ्योरी मैंने उस फाइल में पहले से लिख रखी है. यहाँ पर मैं आप लोगों को वर्बली बताऊंगा और जो आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वहां पर आपको थ्योरी भी मिल जाएगी. तो प्लीज इसे डाउनलोड करके एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा. अब अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ नाम का फंक्शन बनाया है. इसमें कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं और पैरामीटर्स के मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, जैसे कि इवेंट एक्स वाई, वाई के बाद ये फ्लैग्स हैं और ये रैम है. तो आप इनमें कोई भी नाम पास कर सकते हो या आप पे डिपेंड करता है, आप एबीसीडी एच वाई जेड पास कर दो. मैंने यहाँ पर नाम रख दिए हैं, बट ये करेंगे क्या, ये पैरामीटर्स आएंगे कहाँ से, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा. जस्ट अभी आप कोड को ऑब्जर्व करिए. मैं बोल रहा हूँ कि जब जो आपका जो ये इवेंट है, जो भी ये इवेंट है, अगर ये इक्वल इक्वल होता है सीवी टू डॉट इवेंट, आपके बहुत सारे इवेंट होते हैं, बट ये आपका जो मैं सिलेक्टेड इवेंट यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि देखो कितने सारे इवेंट है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इवेंट है, अगर ये जो इवेंट आएगा पैरामीटर, और ये इक्वल होता है आपके माउस के एल बटन के अकॉर्डिंग. ओके, आपके जो माउस है उसका एल बटन के अकॉर्डिंग ही होता है कि एल बटन पे अगर कोई डबल क्लिक करे, ओके, और ये इवेंट इसके इक्वल हो जाए तो सिंपल सा एक टास्क परफॉर्म होगा कि ये एक सर्कल ड्रॉ करेगा. मतलब आप अपने माउस पे क्लिक करोगे और एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा आपके एक ब्लैंक इमेज पे. ये मैंने इतना काम करा है. सिमिलरली ये तो था इफ के लिए. एक और टास्क इसमें बाइंड कर देते हैं, मैं बोल रहा हूँ इफ, या फिर आप एलिफ भी लगा सकते हो कि अगर ऊपर वाला नहीं होता है और आप सिंपली क्या प्रेस करते हो इस वक्त सीवी टू डॉट राइट, अगर आप राइट की भी प्रेस करते हो, राइट की का बोलने का मेरा मतलब है कि आप अपने माउस का राइट बटन, तो एल अंडर स्कोर इवेंट अंडर स्कोर आर बटन, यहाँ पर आप क्या लिखोगे आर बटन. तो देखो आर बटन पे इतने सारे फंक्शन है, आपको कौन सा वाला चूज करना है, डबल क्लिक आर बटन डबल क्लिक. अगर आप ये परफॉर्म करते हो तो इस बार क्या ड्रॉ होगा, एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा. तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों को बताने की जरूरत है कि यहाँ पर ये पैरामीटर्स क्या है. ये पैरामीटर्स मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को क्लियर कराना पड़ेगा मुझे, बिकॉज लास्ट टू वीडियोज में मैं आपको बताते हुए आया हूँ, बट फिर भी आप रैंडमली देख लो इसे एक बार. इमेज क्या है, एक नॉर्मल इमेज जो कि आप बाद में रीड करोगे, अभी नहीं बाद में इसे आप रीड करोगे या फिर आप नीचे से पास करोगे इस इमेज को. तो यहाँ पर मैंने इसे आईएमजी से स्पेसिफाई करा है. एक्स वाई क्या है, वो कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ पर आएंगे, जैसे आप किसी इमेज पे क्लिक करोगे तो वो पैरामीटर्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये पैरामीटर्स आप इन्हें यहाँ पर यूज कर सकते हो. सर्कल के लिए क्या है पैरामीटर, आपका रेडियस, कलर कोड एंड थिकनेस. रेक्टेंगल की बात करें तो ये क्या है, आपका जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसके आगे 100 प्लस हो जाएगा और जो भी आपका वाई कोऑर्डिनेट आएगा उसके आगे 75 प्लस हो जाएगा और आपका एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा. ये आपका कलर कोड है और ये आपकी थिकनेस है. बेसिकली यह एक आपका डमी कोड मैंने रेडी करा है, अभी मैं इसे कंप्लीट करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है डमी कोड रेडी है, अब जो आपका सीवी टू डॉट नेम्ड विंडो, आपकी जो विंडो बनेगी जिस विंडो पे आपका सारा कुछ ड्रॉ होगा उसका मैं एक नाम रख लेता हूं. तो मैंने यहाँ पर सिंपल विन नेम नाम का एक पैरामीटर यूज करूंगा और ये इस पैरामीटर की हेल्प से आप कोई भी नाम दे सकते हो. तो मैं आप सिंपली अभी यहाँ पर नाम रख देता हूँ रिजल्ट आरईएस, आपकी जो मर्जी हो आप रख सकते हो. गाइस अब मुझे एक ब्लैंक इमेज बनानी है, तो ब्लैंक इमेज मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपको मल्टीपल टाइप की बना सकते हो, व्हाइट भी बना सकते हो, ब्लैक भी बना सकते हो, तो अभी के लिए मैं ब्लैक इमेज बनाऊंगा एनपी डॉट जीरो की हेल्प से. With the help of np.0s मैंने क्या करी है, एक ब्लैंक इमेज क्रिएट कर लिया है. अब इस ब्लैंक इमेज में ये सारी की सारी चीजें ड्रॉ होंगी. ये एक फंक्शन है, ये एक इमेज है, इन दोनों को बाइंड कैसे करोगे आप, बट अगर आप अभी देखोगे तो ये एक एरर आ रही है यहाँ पे कि ये np क्या है, तो np मुझे इम्पोर्ट कराना पड़ेगा. मैं इम्पोर्ट करा लेता हूँ इम्पोर्ट numpy as np. np is your numeric python. आपकी एक ब्लैंक इमेज बन गई, यहाँ पे एक फंक्शन बन गया. अब इन दोनों को आपको बाइंड करना है. कैसे करोगे दोस्तों, बहुत ईजी है. एक फंक्शन जो कि आपकी हेल्प करने वाला है इसमें वो है cv2.setMouseCallback.
यहाँ पर देखो ये अपने आप से सजेस्ट कर रहा है सेट माउस कॉल बैक, इसमें आप अपनी नेम्ड विंडो पास कर दो जो कि आपने यहाँ पर बनाई है, और एक फंक्शन जो कि आपके किस नाम से ड्रॉ नाम से फंक्शन है। तो ये देखो ये दोनों कनेक्ट हो गए, ये दोनों क्या हो गए कनेक्ट हो गए। अब आपको हर एक क्लिक में अपनी इमेज पे रिजल्ट को शो कराना है, तो आप एक इनफाइनाइट लूप में इस चीज को फिक्स कर दोगे कि मीन्स जितनी भी बार आपकी इमेज अपडेट हो तो वो आपको दिखे, तो cv2.im show आपकी इमेज क्या होगी शो होगी, I am show में भी आप इसी रिजल्ट को पास करोगे जो आपकी नेम्ड विंडो थी एंड दिस इमेज। तो ये जो भी इमेज पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे हर क्लिक में वो आपको शो होते रहेंगे। और सबसे लास्ट में क्या बोलूंगा कि आपको वेट की का यूज करना है, और वेट की का यूज मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत है वेट की क्या करती है, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं बताते हुए आया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ORD नहीं लिखा है, सीधा डायरेक्ट 27 लिखा है। तो 27 इज फॉर एस्केप की, मतलब इसका मतलब होता है कि अगर आप एस्केप की प्रेस करोगे तो आपका कोड टर्मिनेट हो जाएगा। तो ORD भी लगा सकते हो और आप डायरेक्टली कोई नंबर भी यूज कर सकते हो, तो इसे ये वो एज अ ORD वैल्यू ही ट्रीट करेगा। दोस्तों आपका कोड रेडी है, और लास्ट में आप क्या लिख दोगे एक छोटी सी चीज, क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं, हम सारी मेमोरीज को क्लियर करते हैं यूज करने के बाद, तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। आपका कोड रेडी है, मैं ऑपरेट कराता हूं, देखते हैं आउटपुट में क्या आएगा। तो ये मैंने इसे ऑपरेट कराया गाइस, और यहाँ पर एक ब्लैंक इमेज आई है। ये कैसी ब्लैंक इमेज है, बट जब मैं इसमें प्रेस करता हूँ अपनी लेफ्ट की, ओके, तो देखो यहाँ पर जब मैं लेफ्ट या राइट की प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी टास्क यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है, और वो इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों क्योंकि मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, बट जैसे ही मैं डबल लेफ्ट क्लिक करूंगा तो देखो डबल लेफ्ट क्लिक में क्या लिखा था मैंने, सर्कल ड्रॉ होगा, तो ये देखो एक सर्कल ड्रॉ हो गया। अगर मैं डबल राइट क्लिक करूंगा तो क्या ड्रॉ होगा, एक सिंपल सा रेक्टेंगल। यहाँ पे मैंने लिखा था ना डबल राइट क्लिक, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो R बटन डबल क्लिक, ओके, तो ये डबल क्लिक सिंगल क्लिक के भी फंक्शन वहां पे पहले से ही फिक्स है, आपको जॉन से यूज करना है आप कर सकते हो। तो देखो राइट डबल क्लिक पे रेक्टेंगल, और सिंपल अगर मैं सिंपल लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा तो मेरा सर्कल बनेगा। तो इस तरीके से आप अपने माउस इवेंट्स को बाइंड कर सकते हो पाइथन फंक्शंस के साथ। बहुत इजी है गाइस, बहुत ही ज्यादा इजी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे यूज कैसे करना चाहते हो। इसके भी काफी ज्यादा यूजिबिलिटी आगे सीरीज में। तो ये एक बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको बनानी बताई है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप चाहो तो इसे वंस कर देना और आपकी जो इमेज है ये कैसी हो जाएगी, व्हाइट कलर की हो जाएगी। तो गाइस ये था इस वीडियो का मेन टॉपिक, और इसके ऊपर मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो चलिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसे मैं बंद कर देता हूं, बंद करने के लिए एस्केप की प्रेस करनी पड़ेगी और इस कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। बट गाइस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले या फिर इसे कमेंट आउट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, आई होप आप लोगों को वो चीज समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये एक्स क्या था या फिर ये वाई क्या था, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पैरामीटर आ कहां से रहे हैं, कोई एरर क्यों नहीं आ रही है, तो इसकी वर्किंग आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। फ्लैग को भी मैं प्रिंट करा देता हूं यहाँ पर, फ्लैग प्रिंट फ्लैग्स। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है और कहां से आ रही है, इन पैरामीटर्स को मैं प्रिंट करा देता हूं और मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। लास्ट बचा आपका PARM, तो उसे भी हम प्रिंट करा लेते हैं और आप लोगों को उसके बारे में भी पता चल जाएगा। बेसिकली ऑब्जर्व करने से ये चीज पता चल जाती है कि फंक्शन की फंक्शनैलिटीज क्या है और वो आप लोगों के लिए किस वे में हेल्पफुल है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो थे ये कब आ रहे थे, आपको कैसे मिल रहे थे ये, तो चलो मैं इसे एक बार फिर से ऑपरेट करा लेता हूँ। इस बार जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सब कुछ खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। तो और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अभी ये बंद हो गया, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आ रहा है, बट जैसे मैं इसे इसके ऊपर होवर करता हूँ तो एक्स और वाई और फ्लैग की वैल्यू आपको मिल रही है। मतलब जहां जहां मैं अपने माउस को लेके जा रहा हूँ ये मेरे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मेरे इस फंक्शन को रिटर्न करा रहा है, और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरा फ्लैग क्या हो रहा है, वन हो रहा है। देखोगे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ तो मेरे फ्लैग की वैल्यू ये बता रही है कि मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। अगर मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो फ्लैग की वैल्यू वन हो रही है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो फ्लैग की वैल्यू टू शो कर रहा है वो। गॉट इट गाइस, फ्लैग की वैल्यू टू शो कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर इसी वे में मेरी हेल्प कर रहे हैं, और जो लास्ट वाला पैरामीटर है ये मुझे ये बता रहा है कि जो मेरे ऑपरेशन है वो अभी एग्जीक्यूशन में है। ओके, तो इन्हीं पैरामीटर की हेल्प से मैं अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर पा रहा हूँ। मतलब जैसे मेरा माउस कॉल बैक कर रहा है, जैसे मेरी विंडो आ रही है, तो ये यहाँ से ये सारे के सारे पैरामीटर यहाँ से थ्रो कर रहा है। मेरा इवेंट क्या है, मैंने क्या चीज ऑपरेट करी है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। गॉट इट गाइज। तो यार आई होप अब आपको क्लियर होगा कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। फटाफट से मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है बट काफी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए।
तो देखते हैं गाइस, इसे मैंने कमेंट आउट कर दिया और मैं पहले लिख देता हूँ कि प्रोजेक्ट हम बनाने क्या वाले हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, ऊपर का कोड मैंने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ मैंने लिखा है कि मैं एक ऐसे फंक्शन को बनाने वाला हूँ जब आप राइट क्लिक करोगे तो वो आप पूरी इमेज पे जहां भी राइट क्लिक करोगे आपको उसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको उस पिक्सल की कलर वैल्यू मिलेगी। तो यार ये दोनों चीजें मैं करने वाला हूँ, देखते हैं। मैं इसे इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, मतलब लेफ्ट पे मैं पिक्सल वैल्यू डाल सकता हूँ, राइट पे कलर वैल्यू डाल सकता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बना रखा है और मैं लाइन टू लाइन इसे आप लोगों को समझाता हूँ बस। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, बस आप लोग समझिए। सिंपल फंक्शन था और वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रखी है जो कि मैंने ऊपर कराई थी। उसके बाद मैंने एक फॉन्ट लिया है, फॉन्ट इसलिए लिया है सो देट मैं आप लोगों को कुछ चीजें डिस्प्ले करा सकूं ऑन इमेज। मैं बोल रहा हूँ इफ इवेंट इक्वल इक्वल cv2.event एल बटन डाउन, अगर आप देखोगे तो ये डबल नहीं है, ये क्या है, अगर जैसे आपका सिंगल क्लिक भी होता है, अगर आपका लेफ्ट बटन सिंगल क्लिक भी होता है तो क्या होगा, आपकी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। उसके बाद मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को गेट करा है, जो भी ये कोऑर्डिनेट्स थे मैंने इन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके गेट कर लिया, और गेट करने के बाद मैं इसे यहाँ पर पुट टेक्स्ट करने वाला हूँ। मतलब मैंने सिंपल जो भी मेरे कोऑर्डिनेट्स थे मैंने इसे, अब मुझे इन्हें इमेज पे पुट करना है, तो इमेज पे पुट करने के लिए मैंने इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने एक वेरिएबल में इसे स्टोर करा दिया है। अब इसी डेटा को मैं किस पे, इमेज पे पास करूंगा। अब ये इमेज कहाँ से आएगी, तो ये मैं बाद में क्रिएट करूंगा गाइस, जैसे कि मैंने ऊपर करा था। सिंपल पुट टेक्स्ट में आपको पता है क्या होता है, इमेज पास होती है, जो भी डेटा आपको पास करना है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट मैंने वही दे दिए जहां पर आप क्लिक करोगे, फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर एंड फॉन्ट की थिकनेस, और एट लास्ट cv2.imshow, मतलब आपकी इमेज क्या होनी चाहिए उसके बाद शो होनी चाहिए। आफ्टर दैट ये तो था आपके एल बटन के लिए। अगर मैं आर बटन की बात करूं तो आर बटन पे मैं क्या डालूंगा कि जिस पिक्सल पे आप क्लिक करोगे उस पिक्सल की कलर वैल्यू आपको मिल जाए। ये भी बहुत इजी है गाइस, यहां से आप अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं इसे, तो देखो इफ इवेंट इवेंट इक्वल टू cv2.event_r_button_down, मतलब कि डबल वाला नहीं, मैंने दूसरा फंक्शन यूज करा है जिसमें कि सिंगल क्लिक आप करोगे तो भी आपको आपका डेटा मिल जाएगा। और आपको पता है पाइथन में क्या होता है, bgr होता है, तीन चैनल होते हैं bgr। सबसे पहला चैनल होता है ब्लू जो कि जीरो से इनिशियलाइज होता है, दूसरा चैनल होता है ग्रीन जो कि वन से इनिशियलाइज होता है, और जो तीसरा चैनल है जो है रेड वो होता है आपका टू से इनिशियलाइज। अब जैसे आप किसी पिक्सल पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पास कर दी है, और पास करने के बाद वो ये डिफाइन करेगा कि इसकी कलर वैल्यू क्या होने वाली है, एज पर दी चैनल उन पिक्सल्स की कलर वैल्यू क्या है bgr के फॉर्मेट में, bgr। तो ये मुझे डिफाइन करेगा कि जो y, x और y, x है, ब्लू के लिए उसका पिक्सल वैल्यू क्या है, ग्रीन के लिए उसका पिक्सल वैल्यू क्या है, और आपका रेड के लिए उसका पिक्सल वैल्यू क्या है। इस सारे के सारे डेटा को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है दोस्तों। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एज अ टेक्स्ट इसे पास कर दिया है। जो भी पिक्सल होगा उसमें उस पिक्सल की, फिर से सुनो क्या करा है मैंने, उस पिक्सल की ब्लू वैल्यू कौन सी है, ग्रीन वैल्यू कौन सी है, और रेड वैल्यू कौन सी है, मुझे ये पता चलेगा। तो इसे मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मेक श्योर कि आपको ये कोड बहुत अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पर सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने पुट टेक्स्ट में उसे पास कर दिया है, सिंपल इमेज को शो करा दिया है, और इसको मैं कॉपी करके सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। और बीच में एक छोटी सी चीज और, cv2.named विंडो एंड दिस फंक्शन। तो इतना काम मुझे यहाँ से लेना था तो मैंने ले लिया है, और इसे यहाँ पर पेस्ट करा देता हूँ फटाफट से। तो ये रहा मेरा डेटा, cv2.named विंडो सेम res होगा आपका, और जो फंक्शन था वो क्या था आपका, माउस इवेंट। तो यहाँ पर मुझे ड्रॉ की जगह क्या पास करना पड़ेगा फ्रेंड्स, माउस इवेंट, mouse event। तो देखो ये खुद से सजेस्ट कर रहा है, तो मैं बस इसे ऑटो कंप्लीट कर देता हूँ और इसे बंद कर देता हूँ। मेरा कोड रेडी है गाइस, मैं ऑपरेट करता हूँ और देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आएगा। बेसिकली जो इमेज मैं यहाँ पर अगर एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर तो देखो ब्लैक इमेज है, बेसिकली ब्लैक इमेज पे पहले से ऑपरेट करते हैं, फिर मैं दूसरी इमेज को आपको यूज करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं ब्लैक पे इसे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आगे मेरी ब्लैक स्क्रीन, में सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोगों को क्या मिल रही है, एक इमेज मिल रही है। मैंने जहां पर भी क्लिक करा उसका मुझे कोऑर्डिनेट मिल रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसका मुझे क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट मिल रहा है। एक काम करते हैं इसे बंद कर लेते हैं। और ये बार बार क्यों अपीयर हो रही है मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा गाइस। अगर आप लोग देखोगे तो मैं जैसे ही इसे क्लिक कर रहा हूँ, इसे बंद भी कर दूं तो ये बार बार फिर से अपीयर हो जा रही है। इसका सिंपल सा रीजन ये है
कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं इस इमेज को आई एम शो करा रहा हूँ, तो इसे मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा क्योंकि हर बार जब मैं क्लिक करूंगा तो ये शो होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो अभी के लिए आप इसे कमेंट आउट कर लो। फिर से देखते हैं, अगर आप देखोगे तो मैं इसमें लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो लेफ्ट क्लिक में जहां भी कर रहा हूँ मुझे क्या मिल रही है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल रही है कि एक्स क्या है वाई क्या है। बट जब मैं इसमें करता हूँ राइट क्लिक, तो राइट क्लिक में मुझे क्या मिल रही है, इनके कलर पिक्सल्स की वैल्यू। तो ये पूरी ब्लैक है, तो ब्लैक तो आपको पता है 0.0.0 होता है, इसी वजह से मुझे क्या दे रहा है, 0.0.0 दे रहा है। राइट क्लिक पे क्या आएगा, राइट क्लिक पे आपकी कलर वैल्यूज आएंगी और लेफ्ट क्लिक पे आपका आएगा पिक्सल वैल्यू, उस पिक्सल के कोऑर्डिनेट क्या है और राइट क्लिक में उस पिक्सल के कलर कौन से हैं। तो ये तो आपकी ब्लैक इमेज थी, इसीलिए हर जगह क्या आ गया, 0.0.0 आ गया। अब हम एक कलरफुल इमेज पे इसे ऑपरेट करके देखते हैं, तो इसे मैं टर्मिनेट करता हूँ। कलरफुल के लिए मुझे सिंपल एक चीज, छोटी सी चीज करनी है, इसे कमेंट आउट करने पड़ेगा और एक इमेज को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने, अगर आप देखोगे तो इमेज को एक्सेस कर लिया है दोस्तों, थॉर वाली इमेज को एक्सेस करा है मैंने, और इसे ओपन करते हैं। तो अब आप देखोगे तो ये मेरी थॉर की इमेज आ गई, बट काफी बड़ी इमेज है, तो अगर आप चाहो तो इसे रिसाइज कर सकते हो। बट अभी यहाँ पर रिसाइज करने की कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज मुझे सिर्फ पिक्सल्स के कोऑर्डिनेट और उनकी कलर वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो आप लोगों को पता है मुझे क्या, जहां पर भी मैंने लेफ्ट क्लिक करा है उस कोऑर्डिनेट के पिक्सल्स मिलेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसका और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये तो सिर्फ उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, बट अगर मैंने इस पर राइट क्लिक करा तो राइट क्लिक मुझे ये बताएगा कि उस पिक्सल की कलर वैल्यू क्या है। जहां पर भी आप राइट क्लिक करोगे तो वो उस पिक्सल की, जो भी वो पिक्सल होगा उसकी क्या कलर कोड बता देगा कि इसका BGR कलर कोड ये है। तो आपने एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया है कि आप अपने माउस इवेंट्स को कैसे बाइंड कर सकते हो और उनपे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करा सकते हो। यार आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं आपको थोड़ा सा और डेमोंस्ट्रेट करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी मैंने लेफ्ट क्लिक करा है, तो लेफ्ट क्लिक पे मुझे क्या मिल रहा है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, और यहीं मैं राइट क्लिक करूंगा तो राइट क्लिक पे मुझे कलर कोड मिलेगा। सेम फॉर हेयर, आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, तो मैं राइट और लेफ्ट क्लिक जो भी करूंगा मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट मिलेगा। सिंपली मैंने पुट टेक्स्ट का यूज करा है यहाँ पर, अपने कलर कोड्स का यूज करा है। इसके बारे में मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपके चैनल्स हैं 0 for blue, 1 for G and 2 for R। 0 ये स्पेसिफाई कर रहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ब्लू की वैल्यू क्या है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो ब्लू के रिस्पेक्ट में होगी। कौन स्पेसिफाई कर रहा है उसे, 0 स्पेसिफाई कर रहा है, जी के लिए 1 कर रहा है और आर के लिए आपका 2 कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा आपका कलर चैनल्स है, 3 चैनल की इमेज होती है कलर वाली आपकी, मैंने ये भी बताया था आपको, और जो ग्रे स्केल इमेज होती है वो आपकी सिंगल चैनल होती है। तो ये सब सारे के साथ ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया था और यहाँ पर मैं उसका यूज कर रहा हूँ। इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बोलता हूँ कि यार काफी ध्यान से सुना करिए और अच्छे से फोकस करिए इन सब चीजों पर। तो गाइस इसे बंद कर देते हैं और आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आइए यार, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा है। आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा चुका हूं और इसके बाद वाली वीडियो में हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। सी